हेलो दोस्तों, व्हाट्स हैपनिंग गाइस। मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हो टेक ज्ञान। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा कि फार्मिंग सिम्युलेटर 19 जो मोबाइल के लिए एप्लीकेशन आता है, गेम आता है, उसको वेरीफाई करके देखने वाले हैं। वेरीफाई होता है नहीं तो बने रहिएगा वीडियो में, लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा कि उसे वेरीफाई कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने उस गेम को डाउनलोड करके रखा हुआ है क्योंकि वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं। उसका डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उसको वेरीफाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, या फिर वेरीफाई होता है नहीं। तो यहाँ से हम एपीके में आ जाएंगे। और मैंने जो डाउनलोड किया था, मैंने दो डाउनलोड कर लिए थे गलती से, तो हम अभी इसको एक को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉलिंग होने लगा है। चलो एपीके इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। कुछ ऐसा इंटरफेस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसका जो इंट्रो है फोकस का, क्योंकि कंपनी यही है फोकस और जिनार्ट सॉफ्टवेयर, दोनों ने मिलके बनाया हुआ है गेम को, तो इनका लोगो यहाँ पे आ रहा है। इंट्रो आएगा शायद अभी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये यहाँ से ओपन होके आ चुका है। पास ए लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे बीच में, और कुछ वगैरह वगैरह आ रहा है। तो टैप टू प्ले का ऑप्शन मैंने यहाँ पर टैप कर दिया। लोडिंग बिल्कुल 110% जैसा मैंने मेरे पीसी में खेला था वैसा के वैसा ही लुक यहाँ पर ये हमें दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको पीसी में पहले खेल रखा है। बिल्कुल आप प्रेस सेम टू सेम डिटो मैप यहाँ पर आ रहा है क्योंकि मैंने इसको एक बार पहले खेल रखा है। तो अब कुछ देर रुकने के बाद यहाँ पर ये वेरिफिकेशन द डिवाइस टू प्ले गेम यहाँ पर ये ऐसा लिखा हुआ आ गया है। तो मैंने इसको यहाँ पे ओके पे किया और कुछ ऐसा पॉपअप के बाद ये नई विंडो हमारे सामने खुल गई है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इन तीनों ऐप को इंस्टॉल करो और कितने 30 सेकेंड टू अनलॉक कंटेंट एंड फॉर फ्री अनलॉक कंटेंट। ये यहाँ पर बोल रहा है कि इन ऐप्स को इंस्टॉल करो तीनों को और थोड़ी थोड़ी देर यूज़ करो, उसके बाद ये अनलॉक हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे फ्री वाले पे क्लिक करके ये कहाँ लेके जाता है हमें। कौन सा शायद चिंगारी ऐप था ये या फिर कोई और था, देखा नहीं मैंने। ये यहाँ से अब उस वेबसाइट पर विजिट होने के बाद, भाई उस वेबसाइट पर विजिट ही क्यों कराया अगर डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाना था तो, हो सकता है वेरिफिकेशन के लिए हो। तो चलो प्ले स्टोर पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड ऑलवेज भी कर देता हूँ क्योंकि प्ले स्टोर से डाउनलोड करता हूँ मैं। तो ये यहाँ पर ये कुछ ऐसा चिंगारी करके कुछ ऐप है जो शायद शॉर्ट वीडियो के लिए है, टिकटॉक जैसा। तो अभी मैं इसको इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैंने इनको इंस्टॉल करके देख लिया है पूरी तरीके से। यहाँ से तो ये वेरीफाई नहीं हो रहा है और हम दूसरा वे कोई ट्राई करते हैं। तो चलो इस ऐप के अंदर है क्या है मटेरियल वो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन में जाकर इसको एक्सट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ। अरे नहीं, लैपटॉप तो हर किसी के पास होगा नहीं, तो चलो मैं इसको ZRQR में ही आपको बता देता हूँ क्योंकि काम तो वो का वही होगा। तो यहाँ से मैं आ चुका हूँ डाउनलोड। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से हमें एपीके मिल चुका है हमारे ZRQR के फाइलों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सारी फाइल एक साथ आ जाती है। वहाँ पर तो मैंने एपीके ढूंढ के कर लिया था। तो अभी इसको जो ये वाला हमने इंस्टॉल किया था, तो इसी को हम यहाँ से रीनेम पर क्लिक करते हैं। रीनेम के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे एपीके के बाद यहाँ से मैं ZIP कर देता हूँ, जो ZIP फॉर्मेट है उसमें मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो चलो ओके, मैंने इसको ZIP फॉर्मेट के लिए कन्वर्ट कर दिया है। तो अब ये यहाँ से बोल रहा है कि ये ऐसी क्या बात हुई यार, ये ZIP फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हुआ। रीनेम ZIP, ओके। दोस्तों थोड़ी देर लगी लेकिन ये कुछ शायद प्रोसेसिंग हो रही थी पीछे, तो ये ZIP फॉर्मेट में हमारे सामने आ चुका है। तो हम उसके ऊपर अब क्लिक करेंगे और कंप्रेस का आ रहा है, नहीं नहीं सिर्फ क्लिक करके देखते हैं एक बार। तो ये एक्सट्रैक्ट हेयर का आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, या शायद व्यू का भी आ रहा है डायरेक्ट, हम इसमें ZIP में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ फोल्डर्स आ चुके हैं सामने, तो हम इन एक एक को ओपन करके देख लेते हैं इनके अंदर क्या है। तो इसके अंदर पता नहीं कौन सी
तो दोस्तों जैसा कि आपने मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था क्योंकि बहुत टाइम लग चुका है, क्योंकि मैंने उसका जो पूरा पोस्टमार्टम करके देख लिया है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से वो हमारा गेम चला सके। तो मैंने उसका पूरा पोस्टमार्टम करके देखा है तो अरे यार आप यहाँ से देखो ना, 16 MB का कुल APK दिखा रहा है। 16 MB में क्या गेम चलेगा क्या? मेरे पास जो लैपटॉप में जो गेम पड़ा है मेरे PC में वो कम से कम तकरीबन 8 से 9 GB का पूरा गेम पूरा सेटअप इसका आता है। और जो फार्मिंग सिम्युलेटर 17 है वो खुद भी क्या 6 GB का और 15 शायद 3 GB का, मेरे पास तीनों के तीनों पड़े हुए हैं, मैंने सारे के सारे खेल रखे हैं। लेकिन ये तो 16 MB में पूरा गेम दे रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो और ये उसकी जो ओरिजिनल इसका जो प्ले स्टोर पर है ना उसके ऊपर भी ये अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से मैंने सर्च किया हो FS19 का कोई रिजल्ट हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। हम FS20 वाले पे आते हैं और ये जो जिनार्ड सॉफ्टवेयर है यहाँ पर आते हैं तो हमें कुल 4 गेम देखने को मिलते हैं जो प्ले स्टोर पर पब्लिश्ड हैं। और ये जो डेडी ऐप यहाँ पर दिया हुआ है ये फार्मिंग सिम्युलेटर 19 का जो PC वाला गेम है ओरिजिनल उसके लिए है दिया हुआ है। यहाँ से हम पूरा कंट्रोलिंग कर सकते हैं, यहाँ पर जो गेम चल रहा है वहाँ उसमें क्या हो रहा है उसका सब कुछ यहाँ से संभाल सकते हैं। तो वो इसके लिए और इसका कोई ओरिजिनल नहीं है कि ये गेम चल जाए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगले वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो PC के गेम होते हैं उसको हम फ़ोन में कैसे चला सकते हैं, वो भी लाइक क्लाउड गेमिंग के थ्रू, क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो रैम होती है ना फ़ोन की वो इतनी, लैपटॉप की जो रैम होती है या फिर PC की रैम होती है वो 2 GB रैम और हमारे यहाँ की 8 GB रैम भी नहीं मुकाबला उस 2 GB रैम का कर पाती है। तो आप समझ सकते हो मेरी बात को, क्योंकि PC होता है और ये फ़ोन होता है, इसमें इतनी बड़ी गेमिंग पॉसिबल नहीं है। छोटी गेमिंग कर सकते हैं क्योंकि खुद वो जो फार्मिंग सिम्युलेटर 20 है वो खुद 500 MB का है। लाइक मैं आपको एक बार और चल के दिखा देता हूँ। ये जो फार्मिंग सिम्युलेटर 14 है वो भी 52 MB का बता रहा है और ये 19 हमें 16 MB में चला के दिखा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है वो आपको यहाँ पर सामने दिखा हुआ है। ये जो कुछ ऐप्स है यहाँ पर जैसे कि MPL रमी, ये रमी वगैरह और टास्क बस, ये जो ऐसे एप्लीकेशन होते हैं इनको इंस्टॉल करवाना है और ये इससे स्पॉन्सरशिप लेता है और पैसे कमाता है, बस यही इसका मकसद है और कुछ नहीं दिख रहा मेरे को तो इसका भविष्य। बाकी जो चलने में जो गेम था वो बहुत ही खतरनाक इंट्रो आ रहा था, मुझे ऐसा लगा मेरे सामने क्या ही हो रखा है ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।